जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भाव सर। तो ये क्विल्ट जिसे बोलते हैं आप, इसमें ना फोम होता है जिसको भी हमें वॉश करना है। तो ये दो कलर में है दोस्तों, एक है पिंक और एक है ये। तो इसको हम करेंगे वॉश, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफी ज्यादा मैला है दोस्तों ये। और इसको पहले तो सोकिंग करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा खराब है। मेरे पास बड़ा मशीन है, ऐसे चार पांच क्विल्ट एक साथ में आ जाएंगे, तो हम पहले इनको अलग से सोकिंग करेंगे, फिर उसके बाद में मशीन में वॉश करेंगे। और जो भी सोकिंग का मटेरियल होगा वो सेम मटेरियल हमारा वॉशिंग का भी होगा दोस्तों। तीनों केमिकल हम यूनिवैक्स कंपनी के यूज करेंगे। अगर आप घर पर ही वॉश करना चाहते हो, ज्यादा मैला आपका ब्लैंकेट वगैरह नहीं है, तो ये जो ब्लैंकेट ड्राई क्लीनर सॉल्यूशन है ना, ये आप यूज कीजिए। बाकी दूसरा कुछ भी यूज नहीं करेंगे तो भी चलने वाला है दोस्तों। बट ये कस्टमर का ब्लैंकेट है और क्विल्ट है कस्टमर का, और काफी ज्यादा खराब है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे और ये जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ ना, इस सेम मटेरियल में तीन चार ब्लैंकेट भी अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। मशीन का एक लॉट पूरा हो जाएगा इसमें, और इसमें मैं ऑक्सीब्लीच यूज करूंगा जिससे हमारे केमिकल की जो पावर है ना वो बूस्ट हो जाए दोस्तों। और ये क्लॉथ स्टेन रिमूवर यूज करूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैला है। और लास्ट में ये फैब्रिक ब्राइटनर यूज करेंगे दोस्तों। इसको हम थोड़ा टाइम सोकिंग करेंगे सेम मटेरियल में, और इसी मटेरियल में मशीन में वॉश कर देंगे दोस्तों। तो मैंने चार इंग्रेडिएंट यूज किए हैं दोस्तों, अच्छे से हमारे केमिकल में चिकनाहट अभी आ गई है दोस्तों। अच्छी चिकनाहट आएगी उतना आपका मैल और डर्ट निकालने की संभावना ज्यादा हो जाती है दोस्तों। तो दूसरा काम मैं तब तक कर लेता हूं दोस्तों, फिर लास्ट में इसको मैं वॉश करूंगा मशीन में। पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्विल्ट है ना, ये अच्छे से सोकिंग हो गया है और अभी तो फ्रेश दिख रहा है, अभी तो वॉश भी नहीं किया इसको, बट काफी अच्छे से फ्रेश दिख रहा है दोस्तों ये। तो अभी इसको डालते हैं मशीन में। तो दोस्तों ये हमने मटेरियल और पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और पानी मुझे ऐड करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मशीन काफ़ी बड़ा है हमारा। तो दोस्तों इसे हमें वॉश करना है। तो दोस्तों 15 मिनट ये वॉश होगा हमारा क्विल्ट, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। 15 मिनट वॉश हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद में ये सारा डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो भी है ना हमें बाहर छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, बने रहिए। तो एक मिनट बचा है दोस्तों, कंप्लीट एक मिनट बचा है, तो हम मशीन से पानी निकाल लेते हैं दोस्तों बाहर। तो मशीन में हमने साफ पानी ले लिया है दोस्तों, अभी इसको हम 5 मिनट के लिए वॉश करेंगे साफ पानी से। फिर उसके बाद में वो भी पानी हम निकाल देंगे दोस्तों, और उसके बाद में लास्ट में हम फैब्रिक कंडीशनर डालेंगे दोस्तों, वो भी दिखाऊंगा आपको, बने रहिए इस वीडियो में।
5 मिनट के लिए घूमने देते हैं। मशीन में इतनी जगह बची है ना कि ये ऐसे क्विल्ट और 8-10 क्विल्ट आ जाएंगे दोस्तों मशीन में, 8 तो आराम से आ जाएंगे दोस्तों। तो हम फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करेंगे दोस्तों, तो एक ढक्कन में डालूंगा, इसमें बने रहिए इस वीडियो में। तो इसमें हमने ना ₹350 चार्ज किए दोस्तों इसके, 5 मिनट और वॉश होगा दोस्तों ये। फिर उसके बाद में इसको हाइड्रो में डालना है दोस्तों, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है हाइड्रो में डालने के लिए क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाता है ये पानी में जाने के बाद में, बट डाल देंगे जैसे तैसे और हाइड्रो से निकालते ही आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी फ्रेश हो गया है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है और डर्ट और डस्ट भी पूरा क्लीन हो गया दोस्तों। अब इसको घर में ही सुखाएंगे। तो दोस्तों इस क्विल्ट को हमने घर में ही सुखा दिया है और 80% पानी तो हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से निकल ही गया है दोस्तों। बाहर थोड़ा सा मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए तो बारिश आ सकती है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और ब्लैंकेट क्लीनिंग के लिए जो भी मैंने केमिकल यूज़ किए हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी ऑनलाइन बाय लिंक है दोस्तों, तो चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।